हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, लेकिन मिल रहा है आपको ओनली 11 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, मतलब कि दोस्तों 10 रुपये के आसपास ही ये स्टॉक मिल रहा है। और ये स्टॉक पे दोस्तों ब्रोकरेज, मतलब जितने भी ब्रोकर हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा बुलिश है। अब मैं इसमें आपको चाहता हूँ कि फंडामेंटली और टेक्निकली भी बताऊँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। और आपके सामने देख लीजिए, जो ब्रोकरेज का टारगेट है दोस्तों, वो है 16 रुपीज़। अभी दोस्तों जो द साउथ इंडिया बैंक, यहाँ पर देख सकते हो, द साउथ इंडिया बैंक का जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 11 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर 10 रुपये का स्टॉक अगर 16 रुपये हो जाएगा तो सोच सकते हैं आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये मैं अपने तरफ से नहीं दोस्तों, ये ब्रोकरेज का, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे इंटरनेट में भी सर्च मार लीजिएगा, पूरे इंटरनेट में गूगल में सर्च मार लीजिएगा, तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक आपके सामने जो आएगा वो है द साउथ इंडिया बैंक। पहले नंबर पे है, यहाँ पर देख सकते हो, पहले नंबर पे है 10 बेस्ट स्टॉक टू बाय एट बिलो 20। ठीक है, तो बिलो 20 सबसे पहले कौन है दोस्तों? सबसे पहला नंबर पर देख सकते हैं द साउथ इंडिया बैंक। तो ब्रोकरेज दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्रोकर है यहाँ पर बताया जा रहा है आनंद राठी, रिकमेंडेड बाय ऑन द साउथ इंडिया बैंक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 16 रुपये का टारगेट है। लेकिन मैं बोलूँगा दोस्तों कि अगर आपको खरीदना है तो आप द साउथ इंडिया बैंक आपको खरीदो। अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 11 पॉइंट के आसपास चल रहा है, 11 रुपीज़ के आसपास खरीदो। लेकिन ये जो है आपको प्रॉफिट तो ज़रूर देगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है इसको 10 रुपये के भाव पर खरीद के रखा है, मैंने 2 महीने से इसको होल्ड किया। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसको साल 2 साल के लिए ऐसे होल्ड करूं, जिससे आपको आने वाले दिनों में और भी अच्छा स्टॉक होगा, और भी अच्छा आपको बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूं, सरकार किसी भी बैंक को डूबने नहीं देगी, पहली बात। और दोस्तों ये बैंक इतना, मतलब अच्छा प्राइस में मिल रहा है, इतना नीचे मिल रहा है ये प्राइस को, और इस बैंक में दोस्तों ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी एक ऐसे छोटे स्टॉक के पीछे भाग रहे हो जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे आने वाले 2 4 5 साल में, 2 4 साल 5 साल में मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप ऐसे स्टॉक के ऊपर जो है अपना ध्यान दे सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के बीच में एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आप मिस कर दीजिएगा। अब हमें इतना तो देखना ज़रूर बनता है कि इसमें डिलीवरी कितनी है, कि लोग इसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर अभी भी देख लो दोस्तों, अराउंड 50% के आसपास तो है, 48.89, अराउंड 49 है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान लेते हैं तो 50% यहाँ पर पहले से ही बुक है, और ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं 45 लाख का यहाँ पर देखिए ट्रेडेड हुआ है, ट्रेड हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, हाँ क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है। ठीक है, 45 लाख का, तो एक छोटे से स्टॉक में आपको क्वांटिटी भी अच्छा ट्रेड की हुआ है, और इसमें डिलीवरी भी बहुत अच्छा। बहुत सारे आप जाके स्टॉक देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर देखिए, वहाँ पर आपको 20% 30% मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये छोटा सा स्टॉक है और इसमें आपको अच्छा से अच्छा जो है डिलीवरी क्वांटिटी भी देखा जा रहा है, डिलीवरी परसेंट भी देखा जा रहा। तो एक चीज़ तो देखनी बनती है, वो क्या है कि कंपनी के पास क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दो चीज़ों में से ये तो एक देखना ज़रूर बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 2019 में 30 सितंबर में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कंपनी जो भी था पॉजिटिव में था, मतलब कि प्रॉफिट में था। ठीक है, अब देखिए यस बैंक को नेगेटिव प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि लॉस हुआ है, लेकिन इस कंपनी को लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें पकड़ा गया कि चलिए लॉस तो नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर में, ठीक है, मतलब कि अभी जो गया, जस्ट जो अभी गया, उसमें भी इसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, उसमें भी इसको प्रॉफिट मिला है। तो इसमें क्या है कि जो पहले का क्वार्टर था उसके बाद इसमें क्या है, ग्रोथ आया। ठीक है, पहले 8 के आसपास था, अभी देखिए 9 के आसपास है। मैं इतना जरूर बोलूंगा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कैसे ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। धीरे का मतलब क्या, हो सकता है अगर आप 10 रुपए का स्टॉक खरीद रहे हो तो आपको अच्छा से, मतलब अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको पैसा नहीं लगाना है ये स्टॉक में, पेशेंस लगाना है। पैसे तो सबके पास है, किसके पास इतना पैसा नहीं होगा 50,000 जो ऐसे स्टॉक में लगा देने के लिए, लेकिन पेशेंस। अब पेशेंस का मतलब क्या होता है, देखिए राकेश झुनझुनवाला ने ओनली जो है 2 रुपये के शेयर में पैसा लगाया था, 2 रुपये के आसपास, वो था टाइटन। ठीक है, टाइटन, अब उन्होंने क्या किया, टाइटन कंपनी जो है 18 या 20 सालों के अंदर 2,000 रुपया हो गया। टाइटन कंपनी 20 सालों के अंदर 2,000 रुपया हो गया, 2 रुपये का स्टॉक 2,000 हो गया। सोच सकते हैं, 2 से 4 मतलब पैसा डबल, 4 से 8 मतलब उससे भी डबल, और उससे भी डबल करते करते दोस्तों उनके पास करोड़ों रुपया आ गया है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो
मैं ये बोलूँगा उनके पैसे को मत देखो कि कितना पैसा कमाया उतने, मैं तो ये बोलूँगा उन्होंने कितना पेशेंस रखा, 20 साल तक पेशेंस रखा, उस चीज़ को देखो। क्या आप भी उतना लंबा पेशेंस रख सकते हो? क्यों? आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है वो धीरे धीरे काम करती है, तो उसको भी टाइम देना चाहिए। आप अगर अपने पार्टनर को टाइम दोगे तभी आप भी आगे जाके अच्छा से अच्छा ग्रोथ कर पाओगे। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि दोस्तों ये जो द साउथ इंडिया बैंक है इसमें आपको डिविडेंड भी दिया जा रहा है। हालांकि डिविडेंड बहुत कम दिया जा रहा है, लेकिन इसका शेयर का जो प्राइस है वो भी तो बहुत कम है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए 2016, 17, 18, 19, ठीक है। तो मतलब कि दोस्तों डिविडेंड हर साल दिए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 साल का आपको दिखा रहा है, फर्स्ट में कितना दिया था, 0.50, ठीक है। चलिए डिविडेंड जो दिया था, लेकिन ये तो हमें देखना है कुछ तो दिया था कंपनी को, थोड़ा ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉयल तो है अपने कस्टमर के साथ। दूसरी चीज़ थी यहाँ पर देख सकते हो, एक मिनट थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए 2016 हुआ, 2017 में भी दिया था, ठीक है। और प्रीमियम भी यहाँ पर देख लीजिए 13 का दिया था, 2017 में 0.40, चलिए थोड़ा सा डिविडेंड कम दिया, लेकिन दिया तो सही, फिर से तो डिविडेंड दिया, लेकिन दिया तो यहाँ पर भी देख सकते हो 2019 में भी इन्होंने डिविडेंड दिया। मतलब कि दोस्तों कंपनी जो है अभी अच्छी खासी चल रही है। तो ऐसे कंपनी को अगर आपको खरीदना है तो दोस्तों जरूर आप सोचिएगा, बिना सोचे समझे तो मत लीजिएगा किसी के भी बोले पे। मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि ब्रोकरेज जो है इस कंपनी पे बहुत ज्यादा बुलिश है। अगर आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हो तो मैं बोलूंगा लॉन्ग से भी लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपए का स्टॉक है, कोई 100-200 का नहीं है जो आप बहुत ज़्यादा आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। छोटा सा भी आप अमाउंट लेके अपने पोर्टफोलियो के कोने कोने में रख सकते हो, जिससे आने वाले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको रखना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, इंक्रीज़ कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम नेक्स्ट वीडियो आप तक कैसे पहुँच पाएगा।